नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन एंड स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं इस टॉपिक का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखें किस तरीके से मैंने ये टोपी बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इस कपड़े की मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए लंबाई इसकी मैंने ली है 15 इंच और चौड़ाई इसकी ये देखिए 11 इंच है। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसकी चौड़ाई पर 11 इंच पर और बराबर से ये देखिए इस तरीके से रख के यहाँ से लगभग आप आगे आप इसके जो सिर पर जो पट्टी आती है उसकी जितनी चौड़ाई आप रखो उसकी हाफ हमें यहाँ रखनी है, क्योंकि चौड़ाई हम पट्टी की 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर हमें 1.5 रखनी है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की ये देखिए 1.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसकी इस तरीके से ऐसे गोलाई लगानी है। इसको आप बस अंदाज से लगा लें, ऐसे कोई इसका राउंड करने का कोई नाप नहीं है। और इसी पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और मैं यहाँ पर इसमें बीच में कट लगा देती हूँ और इधर भी एक सेंटर का कट लगा देते हैं। दोनों तरफ मैंने इसमें कट लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से इसकी सेफ आ जाएगी। और ये देखिए, एक मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है वाइट कलर का। ये मेरा जो ऊपर का मेन फैब्रिक है वो वेलवेट का है। टोपी बनाने के लिए आप कोई मोटा फैब्रिक लें। ये देखिए इस तरीके से इसको रख के और इसकी हमें कटिंग कर देनी है इसकी। ये देखिए ये इसकी लाइनिंग होगी। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसके चारों तरफ हमें सिलाई कर लेनी है। अगर आपका ज़्यादा मोटा कपड़ा है तो आप लाइनिंग इसमें लगा सकते हैं। मैं इसमें क्या है कि पतला है ये थोड़ा, तो टोपी में बच्चों को थोड़ा मोटा कपड़ा चाहिए सर्दी के हिसाब से। मैं यहाँ पर लाइनिंग लगा के ले रही हूँ, विदाउट लाइनिंग भी बना सकते हैं। एक पट्टी मैंने ये लिए इसी के नाप की, ये देखिए इस पट्टी पर भी हम सेंटर लगा लेते हैं। अब देखिए
इसको हम पट्टी को उल्टा लेके इस सेंटर से, इस सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और कुछ प्लेट डालेंगे यहाँ तक, ताकि ये हमारा जितना है उस पर ये सारा कवर हो जाए। इस तरीके से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये देखिए ऐसे ऐसे प्लेट हमें जो ये कट है उसकी इधर की साइड डालनी है और इसके इधर की साइड डालनी है, दोनों आपस में अपोजिट साइड में रहें। ये देखिए ऐसे करके ये प्लेट इस कपड़े में हमारी लगभग आ जाए। ये देखिए ऐसे हमें इसमें प्लेट डालनी है, इस तरीके से ये हमारी इस कपड़े में कवर हो जानी चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से, अब इधर से हमें यहाँ से इसको लेना है। इसमें भी इधर की साइड प्लेट डालते हुए ये देखिए, अब इस तरीके से कुछ ये प्लेट्स इस तरीके से हमारी आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करने के बाद अंदर की साइड इस तरीके से एक पट्टी इसकी बन जाएगी, ऐसे हमें फोल्ड करना है। तो मैं फोल्ड करके बताती हूँ आपको, यहाँ से लगभग आधा इंच तक हम इसको मोड़ सकते हैं और यहाँ पर इसे मोड़ते हुए आपको बाहर की साइड से सिलाई लगानी है, ताकि हमें बाहर की साइड से एकदम फिनिशिंग से दिखाई दे। Thank you.
ये देखिए, अब नीचे भी हम इसमें इस तरीके के, या नीचे भी हम इसमें दो प्लेट, या तो आप अंदर पट्टी लगाते वक्त डाल लें या अंदर की साइड डाल लें। मैं अभी डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से भी हमें इसे सेंटर हमने पहले निकाल लिया था, दोबारा हम इसको निकाल लें। ये देखिए इस तरीके से ही। अब मैंने क्या किया है, एक ये पट्टी बनाई हुई है, इसको मैंने फोल्ड करके पलट लिया है, जैसे हम डोरी पलटते हैं, और मैंने इसके ऊपर प्रेस कर लिया। अब हम इस पर ऊपर टोपी पर, अगर आप इसको सिंपल रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डिजाइन बनाने वाली हूँ इसमें, तो इसकी मैं डिजाइन लगाने वाली हूँ। तो आप देखिए, मैं इस पट्टी को दोनों साइड से इस तरीके से बॉक्स प्लेट जैसे हम बनाते हैं, वैसे इसको स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से पूरी मैंने फ्रिल तैयार कर ली है। अब हमको ये जो सिलाई थी, इस पर इसको अटैच करना है। ये देखिए, पूरी पर ये हमारी आगे की पट्टी भी दिखाई देनी चाहिए, और ये भी इस तरीके से आए, और हम इस पर मोती लगाकर इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ से इसको लगा रही हूँ। जो ये हमारी सिलाई थी पट्टी वाली, उसी पर लगभग हमें इसको लाना है। एक्स्ट्रा है, मैं इसको काट देती हूँ। ये देखिए, हमारी ये पट्टी इसके बराबर आनी चाहिए, बराबर हम इस तरीके से काट लेंगे, और इधर की साइड भी ऐसे काट लेंगे। अब हमें ये देखिए, अब नीचे ये मैंने पट्टी ली हुई है, इसका मैं सेंटर कर लेती हूँ। ये जो हमारा सेंटर है जिसमें हमने बनाया, इसके दोनों साइड हमें एक एक प्लेट डालनी है, और ये पट्टी लगानी है। अभी देखिए, ये सेंटर से इस सेंटर को इस तरीके से मैच करते हुए, सेंटर से सेंटर मैच करते हैं, तो हमारे क्या है कि दोनों साइड से
जो बांधने वाली डोरी होती है वो बराबर रहती है। इस तरीके से जॉइंट करने के बाद क्या करना हमें, ये देखिए इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये सिलाई भी इसके ऊपर आ जाएगी। अब इसको हम यहाँ से ही, तो आप इसको सेंटर से ही फोल्ड करें ताकि ध्यान रहे। ये देखिए मैं इसको इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ पर इसको फोल्ड कर दूंगी, तो इस तरीके से ज़्यादा चौड़ी ना रहे। अब पट्टी को यहाँ से पलटते हुए हम फोल्ड कर देंगे। इधर से भी हम इसको इसी तरीके से फोल्ड करते हुए, देखिए यहाँ से ऐसे फोल्ड किया और इधर से फोल्ड करते हुए इस तरीके से ले आएंगे। नीचे आप चाहे तो ये टसल्स लगा सकते हैं, या अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए मैंने दोनों डोरियों पर यहाँ नीचे टसल्स लगा दिए और यहाँ पर ये मोती लगा के इसको और डेकोरेट कर दिया। ये देखिए इस तरीके से मोती लगाना मैंने मेरे पहले के वीडियो में ब्लाउज़ में बताया हुआ है कि किस तरीके से ये फ्रिल हम बनाते हैं, आप उनमें जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए ये टोपी कितनी सुंदर सी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो ये डिज़ाइन मेरी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।